Assalamu alaikum students of class 6. How are you? I hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 3. Students, we have read Amnesty International in the previous lesson. This is an organization works for people, especially those who have been imprisoned due to their religious or political beliefs, and also this organization works for the promotion of Universal Declaration of Human Rights. Today we will start from the threats to human rights. Jo insani huquq hai aur jo declaration hai insani huquq ka, isko kya kya khatrat hain, kya masail hain, वो हम अब पढ़ेंगे. प्रीवियसली हम पढ़ते रहे कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हुआ, लोगों की स्ट्रगल थी, और फिर यूनाइटेड नेशंस के थ्रू जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की, और फिर उसकी प्रमोशन के लिए, उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए, आगाही के लिए डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी काम करती रहीं. लेकिन इसके साथ साथ जो खतरात हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जो इन ह्यूमन राइट्स को लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जाता या लोगों से उनके हकूक छीन लिए जाते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, तो उसके कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ हम इसे लेसन में हमारे सामने आएंगी. स्पेशली जो फर्स्ट एग्जांपल बयान की गई है, यकीनन आप किसी हद तक इस बारे में जानते होंगे, कुछ आपको इंट्रोडक्शन होगा इसके हवाले से. On 11 September 2001, two passenger jet planes struck the Twin Towers of the World Trade Center in New York. एक वाक्या हुआ था, एक हादसा कह सकते हैं, जो जिसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की जो है वो नोट्स भी हैं, मुख्तलिफ किस्म की वजूहात बताई जाती हैं कि क्यों और कैसे था, क्या रीजंस थी. बहरहाल जो ज़ाहरी तौर पे जो चीज़ सामने आई थी वो आपको यहाँ पर मैं बता दूंगी साथ साथ. दो 2001 में सितंबर की 11 डेट को एक हादसा हुआ था, और वो क्या था कि जो दो पैसेंजर जेट प्लेन्स थे, और ये न्यूयॉर्क का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जो इनका जो आलमी तिजारती मरकज़ है, उसके ट्विन टावर से टकराया था. Nearly 3,000 people were killed, और उस हादसे में तकरीबन 3,000 लोग जो हैं वो जान बहक हो गए थे. This incident is called 9/11, pronounced 9/11, क्योंकि ये सितंबर की 11 डेट को हुआ था, और उसी नाम से जो है वो इसको जो है वो नाम रखा गया, और इसी नाम से याद किया जाता है. इसके बाद क्या हुआ, द यूनाइटेड स्टेट डिसाइडेड दैट दिस वॉज द वर्क ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन टेररिज्म. जैसे ही ये हादसा हुआ, ये सानिया पेश आया, जो यूनाइटेड स्टेट्स था, अमेरिका की रियासत है, उन्होंने इसको जो है कहा कि ये दहशतगर्दी की तंजीमें हैं जो ये काम कर रही हैं, और उन्होंने उसी वक्त जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अनाउंस कर दी, वॉर ऑन टेररिज्म. टेररिज्म इज अ क्राइम डिफाइंड एज द यूज ऑफ वायलेंस इन ऑर्डर टू क्रिएट फियर अमंग सिटीजन. टेररिज्म दर हकीकत क्या चीज है, दहशतगर्दी किसे कहते हैं, ये एक क्राइम है, एक जुर्म है, और इसको आप ये कह सकते हैं कि ये यूज ऑफ वायलेंस, तशद्दुद का इस्तेमाल करना, शिद्दत के साथ जुल्म का करना, इन ऑर्डर टू क्रिएट फियर अमंग सिटीजन, शहरियों में खौफ फैलाने के लिए, यानी इतना शदीद शिद्दत के साथ पेश आना, तशद्दुद करना या जालिमाना कार्रवाई करना कि लोगों के अंदर खौफ फैल जाए, अवाम के अंदर उससे दहशत फैल जाए. ये जो है डेफिनेशन है टेररिज्म की. यूजली वेन समवन इज अक्यूज ऑफ टेररिज्म, ही और शी हैज टू बी ट्रायल्ड इन अ कोर्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ. और आम तौर पे क्या होता है कि जब कोई भी कोई क्राइम करता है, या खास तौर पे आप टेररिज्म के हवाले से भी कह दें कि अगर दहशतगर्दी की है, दहशत फैलाई है और कोई क्राइम किया है, तो तब भी जो शख्स, यानी वो खातून हो या मर्द हो, कोई भी जिसने भी वो टेररिज्म जो है वो फैलाया है, जो दहशतगर्दी की है,
उसको पकड़ा जाए, उसको अदालत के सामने पेश किया जाए और वहां पर उसका ट्रायल हो सही तरीके से, और अगर वो वाकई उसने जुर्म किया है, क्राइम किया है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग कानून के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए। और यही रूल है, यही कानून है, हर जगह पर होना चाहिए। और हमने जो प्रीवियस लेसन में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में ह्यूमन राइट्स का पढ़ा था, उसमें भी यही चीज़ थी कि जिसने भी क्राइम किया है उसको पकड़ा जाए, अदालत के सामने पेश करें और उसका जो है वो फेयर ट्रायल हो और साबित हो जाए अगर उसने क्राइम किया है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सजा मिले। जो सिंपल सा एक रूल है। लेकिन हुआ क्या, सिविलाइज्ड कंट्रीज एक्सेप्ट दैट एनी वन हु इज ट्राइड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ शुड हैव सर्टेन ह्यूमन राइट्स। जो हमने ह्यूमन राइट्स में पढ़ा था, और जितने भी महज़ब ममालिक हैं, जो तालीम याफ्ता ममालिक हैं, वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि कोई भी शख्स जिसने क्राइम किया है और उसका ट्रायल हो रहा है अदालत में, तो उसके जो कुछ बुनियादी हकूक हैं जो उस मुलजिम के भी हैं, यानी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि उसने क्राइम किया है। फॉर इंस्टेंस, एन एक्यूज्ड मस्ट बी रिगार्डेड एज इनोसेंट अंटिल द कोर्ट डिसाइड्स दैट ही और शी इज गिल्टी। सबसे पहला हक तो ये है कि अगर कोई शख्स जिसने जुर्म किया है उसका ट्रायल हो रहा है, तो जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता, प्रूव नहीं हो जाता कि उसने वाकई जुर्म किया है, तब तक उसको इनोसेंट तसव्वुर करना चाहिए, तब तक उसको मासूम समझें, तब तक उसको बेगुनाह समझा जाए, और उसके साथ जो आम लोगों वाला, बेगुनाहों वाला सलूक है वो किया जाएगा। ही और शी कैन नॉट बी टॉर्चर्ड एंड मस्ट बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी थ्रू आउट द ट्रायल। जिस शख्स का ट्रायल हो रहा है, जिस पर इल्ज़ाम लगा है, वो कोर्ट में पेश हो रहा है, तो उस शख्स को जब तक प्रूफ नहीं होता उसको बेगुनाह समझना चाहिए, और उसके साथ साथ उसको बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी भी तरह टॉर्चर नहीं करना चाहिए, यानी ना उसको जिस्मानी तौर पे तकलीफ पहुंचाई जाए और ना ही उसके ऊपर ताने या गालम गलोच करके उसको तंग किया जाए, बल्कि उसकी रिस्पेक्ट भी हो जिस तरह आम लोगों की होती है, और बाइज्जत तरीके से उसका ट्रायल हो। मोस्ट ऑफ दीज ह्यूमन राइट्स हाउ एवर बिकेम नल एंड वॉइड व्हेन द यूएस स्टार्टेड इट्स वॉर ऑन टेररिज्म। अब ये जो हुकूक थे, जो ह्यूमन राइट्स थे, जो तमाम इंसानों को मिलने चाहिए, वो सारे के सारे नल और वॉइड हो गए, बिल्कुल इग्नोर कर दिए। कब? जब यूएस ने इस हादसे के बाद वॉर ऑन टेररिज्म स्टार्ट कर दिया, डिक्लेयर किया, और ना सिर्फ डिक्लेयर किया बल्कि फौरी तौर पर जिन मुमालिक पर, जिस तंजीम के हवाले से उन्हें शक था, शुबा था, उन्होंने डायरेक्ट उस पर हमला कर दिया। द यूएस बिलीव दैट इट वॉज फाइटिंग अ वॉर। जो यूएस थे, अमेरिका था, वो इस बात पे यकीन रखता था कि ये एक जंग है, यानी उन्होंने अगर जेट प्लेन्स जो है ट्विन टावर को मारा है और उनके 3,000 लोग मारे गए हैं, तो इट मीन्स उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है, जंग शुरू हो गई है और अब ये जंग होगी। देयरफॉर इट अटैक्ड गवर्नमेंट्स एंड पीपल हु वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म, और इसी वजह से उन्होंने उन हुकूमतों पर और वहां के लोगों पर जो है वो हमला कर दिया जिस पर उन्हें शक था कि इन्होंने ये दहशतगर्दी की है, यानी कि ये जो पैसेंजर प्लेन्स हैं ये ट्विन टावर से टकराए हैं। तो उनका ख्याल कौन से ममालिक थे? अफगानिस्तान एंड इराक, दोनों मुस्लिम ममालिक, अफगानिस्तान और इराक, अमेरिका के नज़दीक यहाँ की ये तंजीम थी जो टेररिज्म फैला रही थी, और इन्होंने टेररिज्म को प्रोमोट किया, यहाँ की तंजीम जो है इनकी मर्जी से की। सो इन्होंने, इन दोनों ममालिक पर अमेरिका ने जो है वो हमला कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर एबडक्टेड फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज, हज़ारों जो मुसलमान है वो मुस्लिम मुमालिक से जो है वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, खुफिया तौर पर पकड़ पकड़ के ले जाया गया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उसके अंदर पाकिस्तान से भी लोग शामिल थे, जिसको इसी वॉर का कहकर इन्होंने हर मुस्लिम मुमालिक में खास तौर पे ये काम शुरू कर दिया। हमला उन्होंने अफगानिस्तान और इराक में करके वहाँ की हुकूमतों को और वहाँ की अवाम पर हमले शुरू किए, और इसके साथ साथ जो है वो हज़ारों की तादाद में मुसलमानों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। दे वर टेकन टू सीक्रेट प्रिजन, और उनको जो खुफिया इनकी जो है वो जेल हैं मुख्तलिफ जगहों पर बनी हुई, वहां पर उनको लेके चले गए, इंक्लूडिंग वन ऑन द आइलैंड ऑफ ग्वांतानामो बे इन साउथ अमेरिका। और एक जेल है जो कि बहुत इस हवाले से भी मशहूर है कि बहुत ही खुफिया और खौफनाक
ये जेल है जहां पर इस किस्म के लोगों को गिरफ्तार करके और दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर ले जाया जाता है। और ये कहाँ थी, ये एक जजीरा है ग्वांतानामो बे, वहां पर ये साउथ अमेरिका में, जनूबी अमेरिका में ये जेल बनाई गई है, वहां के आइलैंड ग्वांतानामो बे में। और ये बहुत ही खुफिया एक जेल है और शदीद यहाँ पर जुल्म और ज्यादती की जाती है कैदियों के साथ। वेयर दे वर ऑफन कैप्ट इन केजेस एज इफ दे वर एनिमल्स, जहाँ पर जो है उस जेल में कैदियों को इस तरह रखा जाता है पिंजरों के अंदर जैसे कि जानवरों को रखा जाता है। शदीद जुल्म और ज्यादती होती है इस जेल में। और यहाँ पर जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब ये वॉर इन्होंने अनाउंस की तो फिर जो ह्यूमन राइट्स थे वो सारे नल और वॉइड हो गए, बिल्कुल उनको खत्म कर दिया गया। ना उनका ट्रायल, जिस तरह से एक इंसान पर अगर क्राइम उसने कमिट किया है तो उसके हवाले से हो, वो भी इग्नोर किया गया। फिर हमलावर होकर जो आम लोगों के हकूक हैं उसको खत्म कर दिया गया। और फिर सैकड़ों हजारों लोगों को, मुसलमानों को गिरफ्तार करके खुफिया जेलों में भेज दिया गया और वहां पर उन्हें ऐसे रखा जैसे कि जानवरों को पिंजरों में रखते हैं। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, इतनी रीडिंग आज के लिए काफी है। इस सारे टॉपिक को आपने पढ़ना है, समझना है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। और रिसेंटली जो हालात और वाकयात चलते हैं उसके हवाले से भी आपको इन मालूमात का होना जरूरी है। इसका रिमेनिंग पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।